नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका सुधीर गुप्ता के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि गोरखपुर लोकसभा सीट के बारे में। यहां से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया रवि किशन जी को, एक्टर रवि किशन भोजपुरी फिल्मों के बादशाह। वहीं पे बात करें गठबंधन यानी कि सपा बसपा और आरएलडी ने अपना उम्मीदवार बनाया रामभूलाल निषाद जी को। अब देखिए, हम यहाँ पर सर्वे के माध्यम से आम लोगों के बीच में गए, गोरखपुर में गए, वहाँ से लोगों की राय जानी। लेकिन अब आप लोग यानी कि यूट्यूब के माध्यम से हम जानना चाहेंगे आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको अपना समर्थन दे रहे हैं, किसको यहाँ पे गोरखपुर से जिता रहे। तो आप लोग कमेंट करके मुझे अपनी राय दे सकते हैं। और 19 तारीख को चुनाव होने गोरखपुर सीट में। बात करें हम इस वीडियो के माध्यम से सर्वे को लेके 17-18 तारीख तक आपको पूरा फाइनल वीडियो बना के दे देंगे कि आखिर गोरखपुर सीट जो लोकसभा सीट है वो कौन निकाल रहा है। और जो पूरी 543 लोकसभा सीट है वहाँ पर 19 तारीख को चुनाव पूरा ख़त्म हो रहा है, 23 तारीख को नतीजे आ रहे हैं। लेकिन हम 21 तारीख तक पूरे 543 सीटों की क्या नतीजे रहने वाली है, बीजेपी कितने सीट जीत रही है, क्या बीजेपी सरकार बनती हुई दिख रही, पूरे भारत के सर्वे के माध्यम से हम देखेंगे कि आखिर सरकार किसकी आने वाली है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ यानी कि सुधीर गुप्ता के। तो कमेंट करके आप लोग बताइए गोरखपुर से चुनाव कौन जीत रहा है, रवि किशन या रामभूलाल निषाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आया लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।